नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम मज़े में होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। कल है 16 जुलाई 2022, शनिवार का दिन है और कल है गणेश शंकर चतुर्थी। तो ऐसे दिन पे आपको गणपति बापा की पूजा करनी चाहिए। आपके घर पे मूर्ति या फोटोग्राफ तो होगी, तो आप उनकी रेगुलर जैसे पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर सकते हैं। नॉर्मली कई लोग क्या करते हैं, आज के दिन गणपति की या तो रात को पूजा करते हैं या कई लोग सुबह करते हैं। आप दोनों टाइम भी करेंगे तो अच्छा है। रेगुलर जैसे आप सुबह पूजा करते हैं वैसे आप कर लीजिएगा। अगर गणपति बापा की आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप एक सुपारी लाके रख सकते हैं, जो कि आसानी से आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। छोटी सी सुपारी आपको लाके रखनी होती है और आपको हल्दी, कुमकुम और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल आपको थोड़े से चढ़ाने होते हैं सुपारी के आगे, गणपति बापा को मानते हुए। अब आपको क्या करना है, उनके आगे आपको मंत्र जाप करना है या ये मंत्र आप अपने मोबाइल पर भी चला सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये आप मन में मंत्र जाप पूरे दिन में भी कर सकते हैं। इनकेस आप पूजा नहीं कर पाए तो केवल पूरे दिन में आपने ये मंत्र जाप भी कर लिया ना सच्चे मन से, तो भी इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ साथ आप ओम गणेशाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आज के दिन अगर हो सके तो कोई भी भोग के रूप में आप मीठी पीली चीज़ चढ़ाइएगा, जैसे कि पीली बूंदी हो गई या बूंदी के लड्डू हो गए या मोदक हो गए। कोई भी ये नहीं समझ में आए तो आप खीर घर में बना सकते हैं जिसमें केसर आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप भोग भगवान के आगे आज के दिन चढ़ा सकते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में आप सभी लोग खा सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप केला भी चढ़ा सकते हैं और केला जितना हो सके आप बांटिएगा, जितना हो सके अपने हाथ से बांटिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। आज के लिए मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ, ये उपाय करना भी बहुत ज़्यादा शुभ है। हालांकि ये उपाय मैंने पहले एक दो बार ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी दो घास के बीच में आपको मन्नत मांगते हुए या अपना जो भी इच्छा है वो बोलते हुए आपको गांठ बांध देनी है। कितनी भी एक या दो गांठ आप बांध दीजिए, कोई भी एक इच्छा के लिए आप कीजिएगा। मान लो कि तीन या चार इच्छा है तो उसमें से कौन सी ज़्यादा ज़रूरी इच्छा है वो अगर आप चाहते कि अभी पूरी हो तो उसको मानते हुए आप एक गांठ बांध दीजिएगा। अब ये कैसे आप कर सकते हैं, या तो घर के बाहर जाके कहीं पे भी आप ये गांठ बांध के आ सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी आप ये कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपके घर में जो पौधे होंगे उसके आसपास छोटी छोटी घास आ जाती है उसमें आप ये कर सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर फूलों की दुकान से देखिए आपको धुरवा मिल जाएगी तो वो धुरवा लेके आके आप गणपति बापा के आगे भी चढ़ा दीजिए और साथ ही साथ उसी धुरवा के अंदर कोई भी दो घास में आप इस तरीके से गांठ बांध दीजिए, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, सपोज़ आपने ये घर में किया है, घर में जो धुरवा आपने चढ़ाई है, तो जैसे आप जैसे फूल विसर्जित करते हैं या फूल जहाँ पे भगवान के देते हैं वहाँ पे आप दूसरे दिन दे सकते हैं, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और घर में अगर आपने पौधे में गांठ बांधी हो तो उसको एज इट इज़ रहने दें, भले आपकी इच्छा पूरी हो जाए उसको एज इट इज़ आप रहने देंगे, ठीक है। ये एक चीज़ करेंगे। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, पूरे दिन में अगर हो सके तो हल्का हल्का अपने घर में मंत्र जाप जरूर से चला के रखिएगा, अगर पॉसिबल हो। नहीं पॉसिबल होता है तो एटलीस्ट सुबह को और शाम को आधा आधा घंटा ज़रूर से आप चला के रखिएगा। गणपति बापा का कोई भी मंत्र आप चला के रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इससे घर के वाइब्रेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे। ये भी चीज़ मानी जाती है कि तुलसी का जो पत्ता होता है कभी भी गणपति बापा को नहीं चढ़ाते, तो अगर आप अवॉइड कर सकते तो वो अवॉइड कर लीजिएगा। आपको रात को चंद्रोदय को दर्शन करके आपको अपना व्रत खोलना है। अगर मान लो आपने व्रत रखा है तो पूरे दिन आपको ये सुबह की पूजा करके आपको व्रत रखना होगा। आप फलाहार पे भी रह सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप सात्विक भोजन का खा लीजिए, इतना आप कर सकते हैं तो भी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सात्विक इन द सेंस कि आपको प्याज और लहसुन अवॉइड करना होता है। रात को आपको चंद्र के दर्शन करने होते हैं। चंद्र के दर्शन करने के बाद आप पानी का जो अर्घ होता है वो आप चढ़ा सकते हैं, यानी कि चंद्र को देख के आपको वो जल चढ़ाना होगा। कई बार उसमें थोड़ा सा लोग कच्चा दूध भी डाल देते हैं तो वो आपकी इच्छानुसार आप केवल जल भी चढ़ा देंगे और आगे अगरबत्ती जला देंगे या दिया जला देंगे तो उससे भी आपकी ये पूजा संपन्न हो जाएगी। सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं। चंद्रोदय का दर्शन जो होगा अंदाज़ा वो 9:45 और 10 के बीच में रात के होगा, तो इस बीच में आप ये दर्शन कर सकते हैं। अगर बारिश का मौसम है आपके यहाँ और चंद्र के दर्शन नहीं हो पा रहे तो एक और तरीका आपको बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, घर में अगर आपके शिव भगवान की देखिए फ़ोटो है तो उसके ऊपर देखिए चंद्र की फ़ोटोग्राफ होती है, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। नहीं तो
और एक तरीका है जहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे चंद्रोदय होता है, तो वहाँ पे देखते हुए भी आप गणपति बापा को मानते हुए अर्घ दे सकते हैं। जो मैंने आपको उपाय बताया बिना व्रत के भी आप वो उपाय कर सकते हैं। तो किसी प्रकार से कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा विघ्न आते हैं, आपको लगता है कि अब तक कोई काम आपका नहीं हो रहा, या बच्चों को मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी परीक्षा कोई आने वाली है, या आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, आपका बिजनेस अभी न्यू तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं आप, और उसमें कोई विघ्न आ रहे हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या नॉर्मल पूजा भी कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं। सुपारी अगर आपने पूजा के लिए रखी है तो बाद में आपको उसको विसर्जन कर देना होता है, पानी में अगर आप विसर्जन कर देंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी पॉसिबल नहीं है तो आप उसको कपड़े में लपेट के आप रख सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले या नेक्स्ट महीने की संकष्टी आने से पहले अगर आपको मौका मिले तो इसको आप विसर्जन कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नीचे जो रेड कलर का बटन है ना वहाँ पे आपको क्लिक करना है। हम मिलेंगे अगले नए एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।